जो कोई अच्छा इंसान बनाकर नाकामयाब हो गए। आज संजू ने साबित कर दिया कि बहन अपने भाई से कितना ही प्यार क्यों ना करे, कितनी भी कुर्बानियां क्यों ना दे, माँ बाप की जगह ले सकती है। मैं हार गई हूँ पल्ली आंटी, हार गई नहीं, नहीं बेटा तू कभी नहीं आ सकती। तुमने जीवन में कितने संघर्ष करके संजू की परवरिश की है, तुम्हारा ये संघर्ष, तुम्हारा बलिदान यूं जाया नहीं जा सकता बेटा। संजू कभी कोई गलत काम नहीं कर सकता बेटा, तुम उसके बारे में ऐसा मत सोचो। महक, तुम्हारे पालन पोषण में कोई कमी नहीं है बेटा, संजू तुम्हारा ही अंश है, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मामा जी, कभी कभी अपना ही अंश खराब भी तो हो जाता है। महक, ऐसा मत सोचो बेटा। मामा जी, मॉम, मुझे लगता है इस वक्त हमें महक को अकेला छोड़ देना चाहिए, उसे हम सबसे ज्यादा एकांत की जरूरत है। मामा जी, वैसे भी मॉम की तबीयत ठीक नहीं है, अब मॉम को लेकर घर चलिए, मैं यहीं महक के साथ रुक जाता हूं। नहीं, मैं महक को बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ूंगा। नहीं मामा जी, मान्या आंटी को आपकी जरूरत है, आपको इनके साथ रहना चाहिए। अभी अभी तो वो हॉस्पिटल से आई हैं, और फिर मेरे साथ गोल्डी है ना, मेरी बेटी। मैं ठीक हूँ मान्या आंटी। मॉम, डॉक्टर ने आपको आराम करने के लिए कहा, आप प्लीज घर जाइए और आराम कीजिए, मैं महक के साथ यहाँ हूँ ना। नहीं बेटा, अपना ख्याल रखना, सब ठीक हो जाएगा। महक बेटा, कोई भी बात हो तो मुझे फोन जरूर कर देना है? जी मामा जी। चलो मान ली, चलिए ठीक। गोल्डी, तुम महक से शादी उसकी जायदाद के लिए कर रहे हो ना? सिद्धार्थ, तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हो जैसे मुझे जानते ही नहीं हो। तुम्हें तो कॉलेज टाइम से पता है मुझे कैसी लड़कियां पसंद है, ये महक जैसी सीधी सादी गुमसुम लड़कियों में मुझे क्या इंटरेस्ट हो सकता है। मुझे तो चाहिए एक स्मार्ट, इंटेलिजेंट, मॉडर्न ख्यालों वाली लड़की। मगर गोल्डी, शादी के बाद तुम उसके साथ निभाओगे कैसे? वो तो बदलने से रही। तो ना बदले, मुझे उससे क्या लेना देना। सिद्धार्थ, मुझे सिर्फ महक के पैसों में इंटरेस्ट, एक बार मेरी उससे शादी हो जाए उसकी सारी जायदाद मेरी हो जाएगी, उसके बाद वो अपने रास्ते और मैं अपने। सब सही जा रहा था, आज रात मेरी और महक की मंगनी भी हो जाती, लेकिन उस कमबख्त संजू की गिरफ्तारी के वजह से मेरे सारे प्लान्स पर पानी फिर गया। लगता है उस संजू को जल्दी से जल्दी बाहर निकलना ही पड़ेगा। मुझे डर तो इस बात का है कि कहीं मामा मेरे और महक के रिश्ते को तोड़ न दे, वक्त जो मिल गया उसे। मामा यानी गोवर्धन सर, उनसे तुम्हारी क्या दुश्मनी है? मामा से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन मामा से दुश्मनी निभाने में इस नाचीज को बहुत मजा आता है। तुम कहना क्या चाहते हो? सिद्धार्थ, मामा की दुश्मनी मुझसे नहीं, उनकी दुश्मनी मेरे विचारों से। मैं क्या करूं, उनके और मेरे विचार मिलते ही नहीं है। अब देखो ना, मुझे पैसों से प्यार है और उन्हें मुझे पैसे देने से एतराज। मैं महक से शादी करना चाहता हूं, उसे पाना चाहता हूं, और मामा हम दोनों को जुदा करना चाहता हूं। खैर सिद्धार्थ, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। आज तक मेरे किए हुए सारे एहसानों का कर्ज अब तुम्हें चुकाना होगा। तुम मामा और महक पर नजर रखोगे, मामा की हर चाल की खबर मुझ पर बराबर पहुंचाते रहोगे। सिद्धार्थ,
मेरी ये छोटी सी मदद करोगे ना? ए, उठ। ए, चलो। चलो अंगूठा लगा। चार उंगली लगा। मैंने कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया। इन लोगों ने हमें पकड़ के क्यों रखा है? मैं घर जाना चाहता हूँ, मुझे जाने दो। मैं जाना चाहता हूँ घर, मुझे घर जाने दो। जिसे रोना चाहिए वो तो चुपचाप यहाँ खड़ा हुआ है। नमन, शायद तू और मैं तो इस केस से बरी भी हो जाए, मगर मगर इसे तो फांसी हो जाएगी। फांसी सुने तूने? फांसी? संजू, तूने ऐसा क्यों किया? ऐसा क्यों किया तूने? संजू, संजू, संजू सुनना, मुझे मालूम है तूने ऐसा नहीं किया है ना। एक बार कह दे कि तूने तूने आयशा को नहीं मारा। एक बार कह दे। मैं जानती हूँ मेरे संजू ऐसा नहीं कर सकता। ये लो मैक। थैंक्स गॉड। अब कॉफी पियो एंड रिलैक्स, फिर हम चलते हैं संजू से मिलने। गोली, तुम्हें जाना हो तो चले जाओ, मैं नहीं जा रही हूं। कभी कभी ना मुझे तुम ये भाई बहन का प्यार ही समझ में नहीं आता। एक तरफ तुम उसकी फिक्र में सारी रात सो नहीं पाई, दूसरी तरफ उससे इतना गुस्सा हो कि उससे मिलना तक नहीं चाहती। गोल्डी, जब अपने धोखा देते हैं ना तो किसी इंसान पे क्या गुजरती है इस बात का एहसास है तुम्हें? और फिर मेरी तो पूरी दुनिया ही संजू है, लेकिन उसे तो मेरी परवाह ही नहीं। दम घुटने लगा है मेरा, ऐसा लगता है जैसे जैसे सांसें ही थम जाए। महक, इन सांसों को कभी थमने मत देना। याद रखना, इन सांसों की बदौलत कोई और भी जीता है। हो सकता है महक, हो क्या सकता है, मुझे पूरा यकीन है कि संजू बेकसूर है। महक, तुमने संजू को इतने अच्छे संस्कार दिए, उसके बावजूद वो ऐसा नहीं कर सकता। मुझे लगता है हमें चलकर संजू से एक बार मिल लेना चाहिए, शायद वो सारी बात सच सच हमें बता दे। सर, संजू की फिंगरप्रिंट रिपोर्ट। आगे। इसका मतलब मेरा शक सही था। शैंपेन की बॉटल पे मिले फिंगरप्रिंट्स और संजू के फिंगरप्रिंट्स आपस में मेल खाते हैं। इसका मतलब हो ना हो कातिल संजू मित्तल ही है। संजू मित्तल। जी बोलिए। इंस्पेक्टर साहब, मैं अपने भाई संजू मित्तल से मिलना चाहती हूँ। संजू मित्तल? ओ क्यों किया तूने इस लड़की का खून? संजू, मैं तुझसे कुछ पूछ रही हूँ, क्यों किया तूने इस लड़की का खून? चुप क्यों है? बोलता क्यों नहीं? क्यों किया लड़की का खून? बोल, बोलता क्यों नहीं? बोल, मैं कहती हूँ, बोलता क्यों? बोल, जल्दी, बस छोड़। क्यों एक कदम उठाया तूने? हाँ, क्यों एक कदम उठाया तूने? हाँ,
गई थी मेरे प्यार में, मेरे परवरिश में, जो तोड़ दिया ना बन गया। तुझे तुझे इस बात का एहसास है संजू कि इस वक्त मुझ पे क्या गुजर रही है? क्या हाल कर दिया तूने मेरा? क्या क्या हाल कर दिया इसने मेरा? तू अच्छी तरह जानता है ना, जानता है ना तू कि तेरे सिवा मेरा दुनिया में कोई नहीं है। तू मेरा सब कुछ है मेरे भाई। अगर अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं किसके लिए जीऊंगी? कैसे जीऊंगी मैं? तूने तूने खून करने से पहले एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा तूने? हाँ, जीते जी मार दिया है मुझे मेरे भाई, जीते जी मार दिया तूने मुझे। संजू तूने एक नहीं दो दो खून किए, दो दो खून। अपनी दी के विश्वास का, उसके भरोसे का भी खून कर दिया तूने, गला घोट दिया तूने, गला घोट दिया तूने, समझा तू? अरे तू तो अपनी करनी की सजा पाएगा ही, लेकिन अपने साथ साथ अपनी दी को भी पूरी जिंदगी रुलाएगा तू? क्यों 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 किया तेरे मेरे लंगोटे में बर्बाद हो गई? अरे बर्बाद मेरा सब कुछ है, मेरा सब कुछ है गोल्डी, मेरा सब कुछ। क्या कर लिया इस लड़के ने? महक, अपने जज्बातों पर काबू रखो, हमारे संजू को कुछ नहीं होगा। अरे संजू किसी का कत्ल कैसे कर सकता है? गोल्डी, अगर संजू ने कत्ल नहीं किया होता तो वो इस तरह खामोश नहीं होता। महक, तुम संजू की खामोशी को उसके गुनहगार होने का सबूत क्यों मान रही हो? अभी तो वो एक बच्चा है, उसके साथ एक साथ जिंदगी में बहुत कुछ हो रहा है, इसीलिए शायद वो कंफ्यूज्ड है, इसलिए शायद वो चुप है। और वो फिंगरप्रिंट रिपोर्ट, क्या वो भी झूठ है? महक, अब क्या झूठ है और क्या सच है इसका फैसला अदालत करेगी। फिलहाल हमें यह डिसाइड करना है कि संजू के केस के लिए कौन सा वकील सबसे अच्छा होगा। आओ। नो मिस्टर गोल्डी, इस केस में दम नहीं है। संजू की खामोशी और बोतल पर मिले उसके उंगलियों के निशान उसे कातिल साबित करने के लिए काफी है। वर्मा साहब, ये बात आप और मैं दोनों बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि फिंगरप्रिंट्स बदले भी जा सकते हैं। ऐसे सबूतों को अदालत के सामने खारिज करने के लिए इन कानूनी किताबों में बहुत सारे दाव पेज लिखे हैं। और रहा सवाल संजू की खामोशी का, तो एक बार आप उसे बेल पर छुड़वा तो लीजिए। संजू से सच्चाई उगलवाने की जिम्मेदारी मेरी। आप कानून के अच्छे जानकार लगते हैं मिस्टर गोल्डी, लेकिन ये केस मामूली केस नहीं है। ये केस स्वयं कानून बनाने वालों के खिलाफ लड़ना होगा। मिस्टर गर्ग को हराना नामुमकिन है। मिस्टर गर्ग संजू की बेल कभी होने ही नहीं देंगे। अगर अब संजू को कोई बचा सकता है तो वो है खुद मिस्टर गर्ग। मामा जी, क्या कहा वकील ने? कुछ नहीं, उसने कहा संजू का केस स्टडी करने के बाद हमें फोन करेंगे। हे भगवान, मामा जी, मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि हमारे संजू को जल्द से जल्द बेल मिल जाए। अभी अभी गोल्डी का फोन आया था, बता रहा था कि महक की हालत बहुत खराब है और वो दोनों संजू को मिलने के लिए पुलिस स्टेशन गए थे। संजू ने कुछ कहा तो नहीं? नहीं मामा जी, पता नहीं क्यों संजू अपनी जबान बंद करके बैठा हुआ है, किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए तैयार ही नहीं होता। उसकी इस चुप्पी को देखकर तो महक उसे ही गुनहगार मान रही है। नहीं मालिनी, नहीं, महक संजू को कभी गुनहगार मान ही नहीं सकती। उसका संजू को गुनहगार मानने का सिर्फ एक कारण है, उसको डर है कि कहीं संजू ने सचमुच ये गुनाह तो नहीं किया है। बस वो सिर्फ इस गुनाह को ढकना चाहती है। मालिनी,
महक ने संजू को एक मां की तरह प्यार दिया है, और एक मां की नजर में उसका बच्चा चाहे कितना ही बदमाश क्यों ना हो, उसके लिए तो वो दुनिया का सबसे नेक बच्चा होता है। और ये बात तुमसे बेहतर और कौन जान सकता है। ठीक है गोल्डी, मैं मानता हूं कि तुमने मेरी बहुत मदद की है, लेकिन तुमने यह कैसे सोच लिया कि मैं अपनी बेटी के कातिल को छुड़ाने में तुम्हारी मदद करूंगा? सौदा गर्ग साहब, सौदा। कैसा सौदा? आप मुझे संजू की बेल दीजिए और मैं और मेरा अखबार आने वाले इलेक्शंस में आपको इतनी पब्लिसिटी देंगे जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। गोल्डी, तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं ऐसा कर सकता हूं? गर्ग साहब, आपकी बेटी की मौत पर मुझे भी बहुत अफसोस है। मैं तो खुद चाहता हूं कि इसके लिए जो भी जिम्मेदार है उसे सख्त से सख्त सजा दी जाए। मुझ पर विश्वास कीजिए, संजू का इसमें कोई लेना देना नहीं है। संजू तो अभी एक बच्चा है, वो क्या किसी का मर्डर करेगा? आई एम श्योर कोई उसे फ्रेम कर रहा है। आयशा की मौत की वजह से पब्लिक सिंपैथी तो आपको मिल चुकी है, मैं आपसे वादा करता हूं इस इशू को मैं इमोशनली इतना हाइप कर दूंगा कि आने वाले इलेक्शंस में आपकी जीत तय होगी। देखिए गर्ग साहब, मैं ये तो नहीं चाहता कि आप संजू के खिलाफ अपना केस वापस ले लें, मैं तो सिर्फ उसकी बेल चाहता हूं ताकि वो जल्दी से जल्दी बाहर आ जाए और उसकी मदद से मैं असली कातिल तक पहुंच सकूं। सोच लीजिए गर्ग साहब, इस सौदे में फायदा दोनों तरफ से आप ही का है, एक तरफ पब्लिसिटी और इलेक्शंस में जीत, और दूसरी तरफ आपकी बेटी का असली कातिल, वो भी सलाखों के पीछे। जो इस तलख हकीकत को ना माने वो नादान है, ये इंसान फरिश्ता भी है और यही शैतान है। जिन लोगों के शौक जरायम उनके लिए कानून है कायम, चाहे